छाया को मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट 20-22 साल से. ये मेरी पहली प्राइवेट लेसन स्टूडेंट थी विद हर हस्बैंड निखिल, एंड इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी सिंस देन. तब से लेकर आज तक हमारा एक फैमिली का रिश्ता रहा, और आज जब उन्होंने अपना ये स्टूडियो खोला है, अपना पूरा कलेक्शन लॉन्च किया है, इट फील्स सो वंडरफुल. मैंने जो पहना है आज, ये भी उन्होंने मुझे दिया था, एंड इट जस्ट फील्स अमेजिंग कि हर बार जब मैं बाहर जाता हूँ मैं छाया गांधी के डिज़ाइंस पहनता हूँ. इट जस्ट फील्स ब्यूटिफुल टू बी एसोसिएटेड विद अ लेडी लाइक हर. बहुत टैलेंटेड हैं और क्रिएटिव हैं, पैशनेट हैं. आई थिंक ये चीज़ जो तीन चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं एक डिज़ाइनर के लिए, और ये तीनों क्वालिटीज इनके अंदर हैं, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम श्योर शी शाइन रियली वेरी वेल. छाया जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले संदीप सर यहाँ पर हैं, उनके साथ किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं इस बारे में बताइए हमारी ऑडियंस. संदीप इज़ माय म्यूज. मुझे कुछ भी अगर डिज़ाइन करना है या कुछ क्रेजी आइडिया आता है, द ओनली पर्सन आई विल थिंक ऑफ इज संदीप, बिकॉज आई नो दैट ही विल वेयर द डिज़ाइन एंड ही विल कैरी इट ऑफ. मेरी अगर कोई मिस्टेक भी है या इफ आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग, ही विल टेल मी छाया हाउ अबाउट दिस, हाउ अबाउट दैट. And I think my designs are getting better and better because of him, you know, because I'm able to create knowing that he will wear it, knowing that he will bring value to that product. Sandeep sir, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कितना suggestion देते हैं, और थोड़ा सा बताइए कि collection के बारे में कितना idea रखते हैं आप? Well, ये collection जो उनका अभी right now है, ये है बूंद collection, उन्होंने भी launch किया है, अभी नया वाला भी आने वाला है. I still remember मैंने इनके लिए एक मॉडलिंग की थी, एक जब टाइगर कलेक्शन था इनका, वो मैंने पहना था जैकेट. ये जो मैंने पहना, ये मैंने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस में जब मेरा लॉन्च हुआ था एक डांस शो का, तब मैंने ये पहना था. लंदन फैशन वीक के लिए हम लोग चले थे जब इन्होंने वहाँ पे शोकेस किया था. सो आई थिंक हर बार जब ये कुछ भी करती हैं, मुझे आई एम हम्बल्ड कि मुझे बुलाती हैं, एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टू वेयर डिज़ाइंस विच आर सो वेरी क्रिएटिव एंड नॉट लाइक नॉर्मली जो आप लोग देखते हैं. एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ कि दिल से बनता है, जो दिल से बनता है हमेशा अच्छा ही लगता है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट शी डज. संदीप सर, आपको हमने देखा है कि आप जो है करंट ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते हैं. हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स और डिजाइंस में हमेशा आप दिखाई देते हैं, तो उस बारे में कुछ बताएं कि किस तरह की फैशन ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते हैं जो. वेल, आई थिंक ट्रेंड जो है ये अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से होता है, एंड डेफिनेटली वी ऑल्सो डिस्कस टुगेदर कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, एंड वॉट विल सूट द पर्सनैलिटी और नॉट, और उसके हिसाब से हम लोग करते हैं. बट आई थिंक समवेयर आई डू फॉलो द ट्रेंड्स, येस, बट एट द सेम टाइम कहीं कहीं पे क्लासिक फील भी जो है वो मैं रखना पसंद करता हूँ एट द सेम टाइम, एंड उसके लिए मुझे हेल्प यहाँ से लगती है. तो शी इज सेइंग दैट शी इज डिजाइनिंग फॉर मी, बट आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ हर दैट आई एम वेयरिंग व्हाट आई एम वेयरिंग. सो आई थिंक इट्स ऑलवेज डिजाइनर और मॉडल का एक रिश्ता होता है हमेशा, और यही रिश्ता हमारा भी है. पहले एक स्टूडेंट टीचर का था, अभी दोस्त का है, एंड जैसे ही बढ़ता जाता है उतना स्ट्रांग होता जाता है. Right. और फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, तो ऐसा कोई जो ड्रेसिंग टिप या फिर ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? ओह, द टिप्स, आई थिंक मैडम शुड शेयर अबाउट टिप्स टू वेयर फॉर दिवाली, सो प्लीज गो अहेड छाया. वेल, आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड एंड ये लास्ट दो साल में जो भी हुआ है, पीपल आर ऑप्टिंग फॉर मोर क्लासिक कैजुअल स्टाइल्स इवन फॉर दिवाली. यस, ज्वेलरी पहन लो लेकिन ड्रेसिंग कैजुअल रहता है, यू नो, दैट इज़ आई थिंक अ लॉट इन ट्रेंड in this season at least, kyunki heavy sarees always in fashion, light sarees always in fashion, but this time the trend is going to go with jewelry more, with ethnic jewelry maybe, but pantsuits are in, absolutely in India today. Yeah. Sandeep sir, Diwali ka festive season chal raha hai, aur 2 saal se hum dekh rahe hain ki sab log ghar mein hi the, finally jo hai covid khatam hone wala hai, aapke kya plans hai is Diwali ke? Well, अभी तो प्लान यही है कि छाया का जो सेलिब्रेशन है उसमें हम लोग हिस्सा बने, घर पे ही रहेंगे. अभी तो गया नहीं है कोविड, सो डेफिनेटली प्रिकॉशन देने ज़रूरी है हमारे लिए, सबके लिए, आप सबके लिए. सो प्लीज़ स्टे सेफ, एंड यस, एक बात ज़रूर बोलूँगा, पटाखे मत चलाइए, पोल्यूशन बढ़ता है और बहुत हार्मफुल भी होता है. सो लेट्स हैव अ सेफ दिवाली एंड अ हैप्पी दिवाली. बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. लाइक आई नोन छाया फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ, लाइक 4 years अगो उन्होंने सबसे पहले मेरे लिए एक आउटफिट दिया था, एंड सिंस देन आई बीन इन लव विद आवर डिज़ाइंस बिकॉज आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद फैशन, एंड वो हमेशा उनका बहुत ही एक डिफरेंट कंटेम्प्रेरी टेस्ट है, सो इट फिट्स वेल विद माई पर्सनैलिटी, सो आई एब्सोल्युटली लव वेयरिंग अवर डिज़ाइन. एंड राइट नाउ व्हाट आई एम वेयरिंग इज ऑल्सो दिस
दिस इज कॉल्ड एज अ कबूकी पैंट. नेवर सीन, नेवर हर्ड अबाउट इट बिफोर, बट आई फील ऑसम वेयरिंग इट. सो आई एम इन लव विद हर डिज़ाइन एंड आई वॉन्ट कंग्रेचुलेट हर. इट्स हर स्टूडियो लॉन्च फाइनली. शी इज़ लॉन्चिंग दिस स्टूडियो एंड नाउ लाइक पीपल विल गेट टू वेयर हर डिज़ाइन एंड I think it's a great thing and I'm really, really glad to be a part of this event, Shaya. Thank you for inviting me. And also, Delhi mein jo aapne fashion walk kiya tha, ramp walk kiya tha, wo bahut hi zyada viral hua tha. Kya experience tha us bare mein, kuch bataiye hamari audience. Oh, experience bahut acha tha. I loved it and hopefully soon I'll do it with Shaya also. I mean, she's going to hit every fashion week soon, I'm pretty sure. And speaking about my experience, it was really good. And yeah, that's what I want to talk about. छाया मैम, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे सारे फीमेल्स के जो है फैशन क्लोथ्स दिखाई दे रहे, तो क्या मेंस स्टूडियो भी लॉन्च करने का कोई प्लान है? अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें. आई थिंक माई हार्ट इज़ ऑलवेज इन मेंस वेयर. ओके, ये मैंने विमेंस वेयर लॉन्च किया है, बट आई जस्ट टोल्ड संदीप नेक्स्ट कलेक्शन डेफिनेटली मेंस वेयर, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई एम गुड एट एंड दैट इज़ वॉट आई लव डूइंग. और संदीप सर, हम आपको ही देखेंगे इनके जो, जैसे मैम ने कहा कि और एक जो है स्टूडियो ऑलवेज 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 कांट डू इट विदाउट संदीप. संदीप सर, आज जो है शाहरुख खान का जन्मदिन है, कुछ बेस्ट विशेस देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से और क्या कहना चाहेंगे उनके साथ की मेमोरी के बारे में? Well, I would just like to say I have met him many a times at couple of occasions, be it award shows or kuch filmon ke liye maine baat ki thi. I want to wish the most talented man all the very best and a very, very happy birthday. Okay, any of your upcoming projects you would like to share with us? Well, I think right now most important is Chhaya Studio. So let us all just talk about that. Right. Also, जो है शाहरुख खान का जन्मदिन तो आ चुका है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी मुश्किलें जो है उन्होंने क्रॉस की. आर्यन खान को आपने देखा कि इतने सालों तक जो है बिहाइंड द बार्स थे, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में और क्या कोई मतलब आपकी तरफ से मैसेज होगा शाहरुख के लिए? वेल, माय मैसेज इज नॉट जस्ट फॉर शाहरुख खान और फॉर हिज सन. माय मैसेज इज टू एवरीबॉडी दैट लेट्स ऑल ट्राई आवर बेस्ट टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, बिकॉज दैट्स द बेस्ट लाइफ. आई स्टिल रिमेंबर दिस कोट फ्रॉम लियोनार्डो डा विंची, द वेरी फेमस पेंटर, हु सेड दैट सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. सो लेट्स ट्राई टू लिव अ सिंपल लाइफ एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स द बेस्ट लाइफ. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.